एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि है एयरब्रश मेकअप ट्यूटोरियल। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप हमसे एयरब्रश मेकअप शेयर करो। सो पहले मैं भी ना एयरब्रश मेकअप पार्लर में नहीं करती थी, बट अब मैं अपने क्लाइंट को करती हूँ एंड बहुत लोग का रिक्वेस्ट था कि मैम आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। सो मैंने एक बहुत ही अलग लुक क्रिएट किया। आई नो थोड़ा ड्रामेटिक है बट बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ। ये मेरी मॉडल है, सो रियल क्लाइंट नहीं है। सो बस आप लोग को मुझे वीडियो खाना था किस तरह से एयरब्रश मेकअप करते, तो मैंने इनको बुलाया था। सो इस लुक को आप आराम से अपने एंगेजमेंट में, इवन इंडियन वेडिंग मेकअप में, इवन सिस्टर वेडिंग मेकअप में, इवन ब्राइड मेड्स मेकअप में भी कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंस वेयर करा दिया था एक्वा लेंस का, ही ग्रीन इन कलर में है एंड क्लिनजिंग हो गया था वाइप्स की मदद से या क्लिनजिंग मिल्क की मदद से। नेक्स्ट बायोडर्मा का टोनर यूज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छा टोनर है। बायोडर्मा के प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मुझे मतलब पर्सनली बहुत पसंद आया। मैंने इनका ना कोलैब किया था, बट ब्रांड ने मुझे सेंड किया था, बट मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, ये है लॉरियल की हाइलुरोनिक एसिड सीरम, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा मेरी वीडियोस में, ये रही रीवाइटल लिफ्ट वाली। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे बायोडर का मॉइस्चराइज़र। सो एयरब्रश मेकअप बेसिकली क्या होता है, इसमें हम एयरब्रश मशीन का यूज़ करते हैं एंड एयरब्रश का मतलब ही होता है फ्लॉलेस, एकदम फाइन, मतलब कि ये मेकअप बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई होता है। सो इसलिए मैं एकदम अच्छे से फेस को हाइड्रेट कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मैक का स्ट्रॉप क्रीम। सो एयरब्रश मेकअप में आप जितना फेस को हाइड्रेट करोगे ना उतना ग्लोई दिखेगा एंड ये मेकअप ग्लोई होता भी है काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छे से स्ट्रॉप क्रीम को अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया गया है, ये है एल्फ का प्राइमर, ELF भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट फिर से मैं सारे बता दूँ आप लोगों को। फर्स्ट क्लिनजिंग मिल्क करना है आप लोगों को, बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र, बायोडर्मा का टोनर, सीरम आपको, स्ट्रॉप क्रीम मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट प्राइमर मैंने दो यूज़ किए, एक कलबाक अभी मैंने सेकेंड में यूज़ किया था सिलिकॉन बेस वाला। डन। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स के बाद कलर करेक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रेलॉन सुप्रा कलर पैलेट, जिसमें से मैं 303 नंबर ले रही हूँ एंड जहाँ पे भी अन इवन टोन लग रही है मुझे, जैसे कि माउथ के अराउंड हाइपर पिगमेंटेशन होती है हमें एंड अंडर आई के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इवन आप क्रेलॉन डर्मा के पैलेट से कोई भी डार्क शेड ले सकते हो एंड कोई भी डार्क शेड का कंसीलर को आप एज ए ऑरेंज कलर करेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, इससे आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आएगा। मैंने बहुत मिनिमम क्वान्टिटी आज रखी है। नेक्स्ट मैं फॉरेवर 52 का फाउंडेशन ले रही इन दी शेड 013 फूज, आई गेस यही है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया आप देख लो। इस तरह से फाउंडेशन प्लेट में मैंने निकाल लिया, 3 पंप मैंने लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं एंड आज मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट से मेकअप किया है। मैंने बहुत ही मिनिमम हर कुछ लगाया है ताकि आपको समझ आए एयरब्रश मेकअप में आपको ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी, बस आपको एक पहले बेस देना है। तो मेक श्योर आप एक अच्छा फाउंडेशन यूज़ करोगे जो कि गर्मियों में भी अच्छे से टिका रहे फेस पे। फॉरएवर 52 का मुझे काफ़ी पसंद है एंड मैंने जितने प्रोडक्ट आप देख रहे हो आज यूज़ किए हैं सब मैंने अमेज़ॉन से लिया है। बस मैं एयरब्रश मशीन का लिंक नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो मैंने दिल्ली से परचेज किया है, सॉरी। नेक्स्ट मैं एल्फ का कंसीलर ले रही हूँ, लाइट शैंड इसका शेड है, ये रहा, मैंने दिखा दिया आप लोग को शेड, ये भी एक बहुत अच्छा कंसीलर है गर्मियों के मौसम के लिए। सो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे जहाँ पे भी हम हाइलाइटिंग करते हैं। हाइलाइटिंग हम कहाँ पे करते हैं, जो पोर्शन हमारा दबा हुआ होता है यानी दिखाई नहीं देता या अंदर की ओर होता है उसको उभारने के लिए हम को लाइट शेड का कंसीलर का यूज़ करते हैं। फाउंडेशन से पहले हम कंसीलिंग करते हैं एंड इसे हम हाइलाइटिंग बोलते हैं। इसको ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा डैम्प है यानी वेट है, ये है प्लूम का, प्लूम के प्रोडक्ट भी मुझे अच्छे लगे, मैंने अमेज़ॉन से लिए थे एंड अभी अमेज़ॉन पे काउंटडाउन सेल चल रहा है जो कि आज से स्टार्ट है, अभी सेकेंड में एंड थर्ड में तक रहेगा। तो डेफिनेटली आप इस सेल में कुछ ना कुछ परचेस कर सकते हो अपने लिए एंड मेकअप प्रोडक्ट आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। अब बात बारी आती है एयरब्रश मशीन हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो मैं कॉस्मो कंपनी का यूज़ कर रही हूँ एयरब्रश मशीन। तो इस तरह से आपको इसमें अटैचमेंट करनी है, एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगी इसके ऊपर। और ये रहा गन, जिसे हम गन बोलते हैं,
इस तरह से आपको अटैच करना होता है, एक आपको अलग से पाइप दी हुई होती है, नीचे से इस तरह से आपको राउंड करके अटैच करना है एंड ऊपर से मैंने किया एंड यहाँ से बटन ऑन करना है। नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर हमारा होगा यानी सेकेंड फिंगर, उससे आपको इस तरह से मशीन को चलाना है। नेक्स्ट हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे टैम2 का 003 एयरब्रश गन के अंदर। एयरब्रश मशीन में हमें सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करना होता है जो कि कंपनी खुद क्लेम करता है, तो कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। मैंने 4 से 5 ड्रॉप टैम2 फाउंडेशन का लिया है जो कि एक सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन है। एंड इस तरह से जब आप मशीन को ऑन करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को हल्का सा पीछे करना है, यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हो प्रेशर को, ठीक है। तो धीरे धीरे इंडेक्स फिंगर से आप जैसे पीछे करोगे आपका जो फाउंडेशन होता है वो बाहर निकलेगा। बट अभी मैंने इसको कवर कर दिया इस वजह से ताकि जो हमने फाउंडेशन अंदर डाला है ना एयर गन के अंदर वो अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए, यानी कि हम एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सो इंडेक्स फिंगर से जो मैं यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ तो ये हमारा शूटिंग पॉइंट है, तो इसको हमेशा पीछे की ओर करना है। पीछे करने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। एंड अब हम फेस पे स्टार्ट करेंगे। सो फेस पे आपको किस तरह से करना है, सर्कुलर मोशन में एंड 90 डिग्री एंड 45 डिग्री पे ही आपको इसको चलाना है। मैं साउंड सुनाती हूँ आप लोगों को। सो, आप देख सकते हो इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सर्कुलर मोशन में बस आपको इस तरह से मशीन को चलाना है, सारा का सारा फाउंडेशन फेस पे एकदम इवनली स्प्रेड होगा एंड आपको कम से कम डिस्टेंस रखना है फेस से, एकदम 4 से 5 उंगली का डिस्टेंस रखना है एंड एक जगह नहीं देना है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रही थी कि आप एक जगह रख के अगर एयरब्रश मशीन को चलाओगे ना तो धब्बा बन जाता है गोल जैसा, जो कि आप देख रहे हो वाइट कलर का बन चुका है। तो मैंने वहाँ पे जानबूझ के गलती की ताकि आपको समझ आए। तो आपको दूर रख के एकदम सर्कुलर मोशन में फ्रिक्वेंटली हैंड मूवमेंट को करना है एंड कोशिश कीजिएगा आप 1945 पे करने का। एंड हम क्या करेंगे, एयरब्रश मशीन को क्लीन भी कर लेंगे, हमें अलग से क्लीनअप परचेज करना था, मैंने क्लीन भी कर लिया। हम जब एयरब्रश मेकअप करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, उसको पूरा का पूरा ड्राई करना है। 5 मिनट्स के लिए मैंने छोड़ दिया था, ड्राई कर लिया था, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, टच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ब्यूटी ब्लेंडर में लेना है लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट या फिर बनाना पाउडर एंड क्या करना है, टी जोन को सेट कर देना। आप पूरे फेस को भी कर सकते हो, बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको जो भी आपने फाउंडेशन अप्लाई किया एयरब्रश गन से, यानी हमने जो भी सिलिकॉन बेस्ड फाउंडेशन यूज़ किया है मशीन से, उसको सुखाना है, गीले फेस पे आपको नहीं लगाना है कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे यूज़ किया था हुडा ब्यूटी का बनाना ब्रेड शेड वाला लूज पाउडर, उसको फेस पे अप्लाई किया था, 2-3 मिनट के लिए रखा था एंड तुरंत हटा दिया, डन। अब हम क्या करेंगे, ब्रॉन्जिंग। तो ब्रॉन्जिंग भी जो आप करोगे ना एकदम लाइट हैंड से किया कीजिए। सो ये है बेनिफिट की ब्रॉन्जर, काफ़ी अच्छी ब्रॉन्जर है, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब फाइन है एंड बहुत अच्छा फिनिश देता है। तो ब्रॉन्जिंग को हो सके उतना ब्लेंड करना है। सो एयरब्रश मेकअप जब भी करते हो आप एक बात का तो ध्यान रखोगे ही रखोगे आप, टाइमिंग का, मैं बार बार बोल रही हूँ, सूखने देना उसको, अगर नहीं सूखने दोगे ना पैचेस बन जाएंगे फिंगर रखने के बाद। एंड एयरब्रश मशीन चलाना भी सीख लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तब क्लाइंट के ऊपर करना है। ब्लश अप्लीकेशन कर लिया यहाँ पे, शुगर का मैंने यूज़ किया था एंड थोड़ा ज़्यादा लग गया था, तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे प्रीवियस वीडियो में अगर ज़्यादा लग जाता तो क्या करें, तो कॉम्पैक्ट ले लो एंड ब्यूटी ब्लेंडर ले लो एंड डैब डैब कर दो। मैंने कॉम्पैक्ट ही लगा दिया था पूरे फेस पे मैक का। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सेटिंग स्प्रे पहले स्प्रे कर लिया ब्रश में मेकअप रिवोल्यूशन का एंड देन मैं क्या कर रही हूँ, मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर को यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने एक एल्फ का भी यूज़ किया है, 2 हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। एंड हाइलाइटर को जब भी यूज़ करते हो ब्लेंडिंग बहुत कीजिएगा, हाइलाइटर पैसी दिखता है कभी कभी, तो ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा। एंड मुझे प्रीवियस वीडियो में ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम आपका मेकअप पैची क्यों नहीं लगता, क्योंकि मैं ब्लेंड अच्छे से करती हूँ। एंड हाँ गाइज, आप डेफिनेटली इन सारे प्रोडक्ट को चेक कीजिएगा, अभी अमेज़ॉन पे काउंटडाउन डील सेल चल रहा है जो कि 2 दिनों तक रहेगा, तो बहुत सारे ब्रांड में आपको बहुत तरह के डिस्काउंट मिलेंगे अप टू 90% तक, तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को।
आई मेकअप स्टार्ट करते मैं यूज़ करी हूँ बी परफेक्ट कार्निवल एक्सेल प्रो पैलेट एंड इन तीनों ब्राउन शेड को मैं लूँगी। मैंने स्क्रीन पे 1, 2, 3, 4 करके लगा दिया है। सबसे पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर को लिया एंड सिर्फ और सिर्फ क्रीज पे पैट करी हूँ पेंसिल ब्रश की मदद से। एंड फिर मैं लूँगी दूसरा ब्रश एंड मैं पिक करूँगी हल्का सा लाइट ब्राउन शेड को, थोड़ा सा इससे लाइट होगा। एंड मैं क्या करूँगी, अब ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी। सो जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था ना, कल की बात है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था पार्लर में, बहुत ज़्यादा, तो ना बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे बना हुआ था वीडियो शूट करते टाइम, बट मुझे आप लोग से शेयर करना था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस वीडियो के पीछे, तो बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ हल्का सा ब्राउन शेड को फिर से दूसरे ब्रश की मदद से। एंड मैं क्या कर रही हूँ, सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तीन कलर का बेसिकली मैंने अभी यूज़ किया है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड उससे हल्का ब्राउन। जितना हो सके ब्लेंडिंग कीजिए, ब्लेंडिंग की होती है आई मेकअप की। अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा है आपका आई मेकअप अच्छा होगा, अगर आपका ब्लेंडिंग अच्छा नहीं आपका आई मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा ना एयरब्रश का, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपसे जरूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ डार्क ग्रीन शेड को, आई मैजिक का पैलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ग्रीनी शेड को मैंने पिक किया है छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश में एंड मैं एक हेलो आई लुक क्रिएट करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे ग्रीन कलर को अप्लाई करूँगी सी बना के। हेलो आई लुक का मतलब क्या होता है, सेंटर पे हमारा दूसरा कलर होता है, दोनों तरफ हमारा दूसरा कलर होता है, यानी इनर आउटर पे सेम कलर होता है एंड सेंटर पे हमारा डिफरेंट कलर होता है, बेसिकली आप ये समझो, इसे हम हेलो आई लुक बोलते हैं, तो मैं वही कर रही हूँ। तो इस तरह से ग्रीन कलर को देख के अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ मैं। तो इसके बाद हम कंसीलर यूज़ करेंगे, मैंने एल्फ का यूज़ किया एंड इस तरह से कंसीलर अप्लाई करना है आप लोगों को। एंड इसके ऊपर हम शिमरी शेड को अप्लाई करेंगे, तो मैंने पीच शेड को यूज़ किया था क्योंकि लहंगे कलर में पीस था एंड ग्रीन इसलिए मैंने दिया था कि ग्रीन कलर की ब्लाउज थी। तो कॉम्बिनेशन आपको ड्रेस देख के ही पता करना है, ग्रीन एंड पीच एंड गोल्डन मुझे दिख रहा, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैंने रखा। नेक्स्ट मैं इन दोनों शेड को ले रही हूँ, ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर को, एंड आउटर एंड इनर कॉर्नर के पास ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी एजेस दिखाई नहीं दे कंसीलर एंड मैट शेड के बीच। तो ब्लेंडिंग की होती एकदम आराम से धीरे धीरे ब्लेंडिंग कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड ये मेकअप अच्छा लगा या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे आप कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये वाला सॉफ्ट स्पॉट सेट को लिया है एंड मैंने हल्का हल्का ब्लेंड फिर से कर दिया इनर कॉर्नर के पास एंड आउटर कॉर्नर के पास। एंड मैंने हल्का सा वाइट होता है ना कॉम्पैक्ट लेके कंसीलर को भी सेट कर दिया था। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पीच कलर का कोई भी शिमरी शेड यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 से मैंने लिया था, आप किसी भी पैलेट से ले सकते हो, कोई भी पीच कलर, गोल्डन कलर, पिंक कलर, जो भी ड्रेस में आपको दिख रहा है। तो सेंटर पे हमेशा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिया करो आप, जैसे कि जो एकदम अलग से नज़र आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट कलर को दिया है। इसको देने के बाद फिर से हल्का सा ब्लेंड कर दीजिएगा आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर ताकि कोई भी एजेस दिखाई ना दे। तो इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ग्लिटर। सो जरदोसी शेड यूज़ करी मैं फॉरएवर 52 का एंड इसको मैं सेंटर पे एकदम हल्का अप्लाई करूँगी। लाइनर के लिए प्लूम का यूज़ कर रही हूँ मैं एंड विंग लाइनर निकालूंगी मैं एकदम नॉर्मल बेसिक सा। प्लूम के लाइनर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने पैक का आईब्रो पोमेड यूज़ किया एंड थोड़ा सा मुझसे मोटा फील हो गया था तो मैंने कंसीलर लगा के उसको ठीक कर दिया। लास्ट में लास्ट का देखोगे ना तो मैंने पूरा ठीक कर दिया था। कभी कभी हमसे भी गड़बड़ होती है गाइज, ऐसा नहीं है कि हमसे गड़बड़ नहीं होती है। विंग निकाल रही थी मैं, रिकोड का मैं यूज़ करी हूँ काजल यहाँ पे एंड मुझसे ना एक तरफ लाइनर थोड़ा सा गड़बड़ लग गया था, बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया था। तो स्मज करेंगे हम काजल को ब्लैक आई शेडो की मदद से एंड ग्रीन एंड स्काई ब्लू शेड मैंने लिया एंड वाइट थॉट जिस शेड के ऊपर लिखा हुआ है, इन तीनों कलर को लेके मैंने हल्का हल्का लोअर लैशन को कम्प्लीट कर दिया स्मज करते हुए बेसिकली। तो जो भी कलर हम क्रीज पे लगाते हैं उसे हम लोअर लैशन पे लगाते हैं ताकि आई मेकअप कंप्लीट दिखे। मस्करा लैसेस लगा दीजिएगा, लैसेस है पैक की 38 नंबर। एंड लिप लाइनर के लिए मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, लिपस्टिक के लिए मैंने मेबलिन सेंसेशनल का लिपस्टिक यूज़ किया न्यूड इन कलर में एंड इसके ऊपर लिप ग्लॉस मैंने कलबा का दिया है जो कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था।
पिंक टोन भी हल्का मैंने मिक्स किया था मेबेलिन का, तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी मैंने कौन कौन सा शेड लगाया है। एंड नहीं तो मैं क्या करूंगी, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मैं स्क्रीन पे नेम दे दूंगी सारे प्रोडक्ट का। कुछ डिफरेंट वीडियो शेयर किया, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने रीड किया था कि मैम एक ही तरह का मेकअप हमें आप दिखा रहे हो आजकल ब्राइडल का, क्योंकि ब्राइडल सेम ज्वेलरी खुद लाते हैं गाइज, मैं किसी को नहीं देती हूँ ज्वेलरी या फिर आउटफिट, वो खुद अपनी पसंद से लाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे मेकअप करना होता है। तो बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि मैम सेम ब्राइडल ज्वेलरी आपकी वेयर करती है लहंगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो लोग खुद लाते हैं। मैंने इनर कॉर्नर के पास भी हल्का सा ग्लिटर यूज़ किया था, अर्थ रेग शेड फॉरएवर 52 का। एंड मस्करा मैंने लोअर लैशन पे लगा दिया, हल्का सा ब्लश मैंने लगा दिया, जो भी फॉल आउट था क्लीन कर दीजिएगा। एंड लास्ट में आपको हाइलाइटर यूज़ कर लेना इनर कॉर्नर ब्राउ बोन पे। एंड मेकअप को सेट मेकअप रिलेशन की सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया गया, जो कि काफ़ी ड्यूई एंड ग्लोई है। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। लेंस है एक्वा लेंस की, यानी एक्वा कलर की, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। आउटफिट तो भिड़ी मॉडल ने खुद लाया था, एंड हेयर एक्सेसरीज माथा पट्टी मेरा था, ज्वेलरी इनका खुद का था। एंड कैसा लग रहा है ये होल लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको पसंद आया नहीं। अगर आप दुल्हन की बहन है तो आराम से ये लुक क्रिएट करो आप, मतलब सब आपको देखेंगे एकदम पलट पलट के अगर आप इस तरह का कुछ लुक करके जाओगे, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल लुक मैंने क्रिएट किया है आज। एंड मुझे पर्सनली ये मेकअप काफ़ी अच्छा लगा। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा एयरब्रश मेकअप के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी एयरब्रश मेकअप किया था आप लोगों को सिखाने के लिए। इससे पहले मैंने दो तीन बार ट्राई जरूर किया था अपनी सिस्टर पे, बट मैंने फर्स्ट टाइम किसी मॉडल पे किया है। सो मैं अपना क्या फीडबैक देती हूँ, बहुत फ्लॉलेस आपको बेस लगेगा, बिल्कुल पैची या केकी नहीं नज़र आता है। एंड ये मेकअप उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन वालों आप एयरब्रश मेकअप ज़रूर करवाओ। एंड मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिटेल वीडियो मैं एयरब्रश का ज़रूर शेयर करूंगी जब मैं खुद अच्छे से चलाना सीख जाऊंगी एंड मैं खुद दो तीन बार एक्सपीरियंस ले लूंगी। सो जो भी गलती हुई होगी मुझसे उसके लिए सॉरी। एंड आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। सारे पिक्चर मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ, तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक पर श्रुति मन्नत मेकओवर। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, सारे प्रोडक्ट का लिंक है, बस एयरब्रश मशीन का नहीं दे पाऊंगी सॉरी, क्योंकि मैंने वो दिल्ली से परचेज किया। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।